नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जी हां, त्रिशूल वाली फ्लड लाइट बेल पत्र जैसा एंट्री गेट। जी हां, शिव नगरी में बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम। इस क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को करेंगे। आपको बता दें कि इस स्टेडियम के मॉडल की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बताते चले कि इस स्टेडियम को 30.60 एकड़ भूमि पर बनारस के गांधी राजा तालाब में बनाया जाएगा। इस स्टेडियम को 330 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं इस स्टेडियम में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। जरा सोचिएगा कितनी खुशखबरी की बात है बनारस वासियों के लिए, पूर्वांचल के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। वहीं अगर बात की जाए, इस स्टेडियम में 7 पिच होंगी। आपने बिल्कुल सही सुना, 7 पिच मतलब प्रैक्टिस, नेट्स, प्रेस गैलरी समेत तमाम सुविधाओं से लैस होगा ये स्टेडियम। इस स्टेडियम का स्वरूप शिवमय होगा। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये स्टेडियम शिव नगरी यानी कि काशी में बन रहा है। इसके एंट्री गेट बेलपत्र के आकार के होंगे, वहीं डमरू के आकार का लॉबी होगा। इस स्टेडियम की छत अर्धचंद्रकार होगी। वहीं फ्लड लाइट यानी कि जो स्टेडियम की लाइट पहुंचाती है, स्टेडियम जिससे लाइट मिलती है, वो त्रिशूल के आकार का होगा। यानी कि पूरा आकार आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान शिव के रूप में ये आधारित होगा। इस स्टेडियम में दर्शकों को बैठने के लिए जो सीट बनाई जाएगी वो गंगा घाट से प्रेरित होंगी। आप समझ सकते हैं कि अगर काशी में ये बन रहा स्टेडियम तो उसमें जितना कुछ हो रहा है, चाहे लाइट्स की बात कर लें, स्टेडियम की बात कर लें, तमाम चीज़ें जो इसमें मिल रही हैं वो केवल पूरा शिवमय दिखाई दे रहा है। और माना यह जा रहा है कि स्टेडियम 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद वाराणसी में भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन कराए जाएंगे। बिल्कुल सही आपने सुना, ये स्टेडियम लगभग 2 साल में बनकर तैयार होगा। 23 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। और इतना ही नहीं, इस गर्मामयी समय को, एक गरिमामयी इतिहास को हर कोई याद रखेगा, क्योंकि शिव की नगरी अभी तक आप देखेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में केवल एक ही स्टेडियम था जो लखनऊ में था, लेकिन जब ये स्टेडियम एक बार बनकर तैयार होगा, जब लोग खेलने आएंगे, तो कहीं ना कहीं काशी नगरी की शोभा और सुसज्जित होगी। ऐसे ही तमाम स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।